आज खुलासा है विपक्षी एकजुटता की रैली पर। विपक्षी पार्टियों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली करके अपनी ताकत दिखाई है। रविवार 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली हुई। इसमें 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने शिरकत की और भाजपा से एकजुट होकर लड़ने का संकल्प जताया। इस रैली से विपक्ष के संभावित गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट हो गई। मोटे तौर पर यह अंदाजा हो गया कि अगले चुनाव में कौन कौन पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। इस रैली का एक संकेत ये भी था कि बिहार जैसा महागठबंधन शायद ही हो, लेकिन एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनेगा। पटना की रैली से लालू प्रसाद की ताकत का पता चला और ये भी साफ हुआ कि बिहार में जन नेता कौन है। हालांकि ये चुनावी जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन भाजपा और जदयू गठबंधन के लिए खतरे की घंटी जरूर है। नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी की कमान वाली भाजपा के साथ जाने से प्रदेश का मुस्लिम आवाम पूरी तरह से लालू और कांग्रेस के साथ आया है। इससे लालू का पुराना माई यानी MY समीकरण मजबूत हुआ है। अब अगर वो पिछड़ों दलितों का मसीहा होने की अपनी छवि को फिर से जिंदा कर देते हैं तो वो NDA के लिए बड़ी चुनौती होंगे। यह भी संभव है कि लालू प्रसाद की ताकत देखने के बाद दूसरी पार्टियों के कुछ नेता, खासकर ऐसी पार्टियों के नेता जिनको NDA में पर्याप्त तरजीह नहीं मिल रही है, वो उनके साथ आएंगे। इससे उनके माई समीकरण में कुछ और जातियां जुड़ सकती हैं और कम से कम बिहार में NDA के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने पटना की रैली में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई जाने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठकों में हिस्सा लेती थी, लेकिन विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए हुई पहली रैली में वो नहीं गए, जबकि लालू प्रसाद ने उनको राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव भी किया था। माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मंच शेयर करने को लेकर अब भी दुविधा में है। इससे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की संभावना कमजोर हुई है। कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय लोक दल एक साथ हैं, लेकिन मायावती अभी दूरी बना रही हैं। प्रदेश की राजनीति में उनका तीसरा कोण बना हुआ है। कांग्रेस के जानकार नेताओं का कहना है कि वो उनको साथ लाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी महागठबंधन की संभावना थोड़ी कमजोर दिख रही है। CPM के सीताराम येचुरी ने इस रैली में हिस्सा नहीं लिया। माना जा रहा है कि वो भी ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस और CPM का तालमेल है। कांग्रेस के नेता इसमें ममता बनर्जी को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। ममता चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ तालमेल करे और CPM को छोड़े। जो हो, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साथ हो या कांग्रेस और CPM एक साथ हो, वहां भी तीनों के एक साथ आने की संभावना कम लग रही है। पटना की रैली से भले विपक्ष के ढीले ढाले गठबंधन की तस्वीर बनती दिखी है, लेकिन भाजपा विरोधी ताकतों में एक सकारात्मक संकेत गया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो रैली की सफलता थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रैली में बड़ी संख्या में लोगों के आने से विपक्ष को लगा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनौती दी जा सकती है। दूसरे, कई बड़े राज्यों के मुख्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से एक सकारात्मक संकेत गया है। रैली में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी मामूली बात नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की राजनीति के तमाम बड़े चेहरे रैली में थे। इन 4 राज्यों से ही लोकसभा की करीब 200 सीटें आती हैं, जिनमें से करीब 120 सीटें भाजपा के पास हैं। सो यह तो तय हो गया है कि इन इलाकों में लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। अब भाजपा की उम्मीदें बहुत कुछ इस बात पर टिकी हैं कि विपक्षी एकता कितनी बनी रहती है।